simply we have to start chapter number 4. And the name of the chapter 4 is Land is King of the Soul. So at first we will discuss why the name of this chapter has been given the landscape of the soul. What do you mean by landscape? Landscape kya hota hai? Kiske liye bolte hai landscape? Jaise painting banate hai na, ki landscape banaya hua, jaise abhi painting ko karte hai na. So landscape se matlab painting. Aur painting jaise hum banate hai, तो पेंटिंग जब कोई व्यक्ति बनाता है तो क्या शो करता है? उसकी आर्ट को रिप्रेजेंट करता है. सो सिंपली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द आर्ट. ये जो चैप्टर है पूरा आर्ट से रिलेटेड है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द चाइनीज आर्टिस्ट. मोस्टली हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? चाइनीज आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. एंड वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड देयर आर्ट. भाई जो उन्होंने आर्ट बनाया, जो फिगर बनाया हुआ है, उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है? भाई जैसे कोई हम पेंटिंग बनाते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसके पीछे का आइडिया क्या है? वो थीम हमारे दिमाग में कहाँ से आया? उसका बैकग्राउंड क्या है? तो यहाँ पर सिंपल सा है. और यहीं पे इंडिया में अभी कुछ आर्टिस्टिक वर्क हुए हैं, जैसे एक रॉक गार्डन है यहाँ पर इंडिया में, दैट इज़ कम्प्लीटली मेड बाई नेकचंद ने बनाया. बनाया किससे? वेस्ट मटेरियल्स, जो यूजलेस मटेरियल था उसका यूज करके उन्होंने क्या करा? ये गार्डन बना दिया. तो इसी प्रकार के जो वर्ल्ड में, चाइना में और भी जगह जहाँ पर इस प्रकार के वर्क हुए, वो बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क को यहाँ पर दिया गया. देखिए, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर बुदाउजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी. तो सबसे पहले स्टोरी कहाँ से शुरू होगी? फ्रॉम दिस सेंचुरी सर. इन 8th सेंचुरी देयर वाज अ पेंटर हुज नेम वाज बुदाउजी. कहते एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी सी कहानी बताई गई है. और किसके बारे में बताई गई है? इट इज ऑल अबाउट अ पेंटर, एक ऐसे पेंटर के बारे में है हु एग्जिस्टेड इन 8th सेंचुरी. जो किस सेंचुरी में रहता था? 8th सेंचुरी में रहता था. एंड द नेम ऑफ दैट पेंटर इज बुदाउजी. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong. क्योंकि चाइनीज वालों के नाम ऐसे ही होते ना. तो उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी, द लास्ट पेंटिंग विच हैज बीन मेड बाई बुदाउजी, बुदाउजी ने जो लास्ट पेंटिंग बनाई थी वो किसका पेंटिंग था? लैंडस्केप. एक लैंडस्केप पेंटिंग उन्होंने बनाई. सो बुदाउजी हैड मेड हिज लास्ट पेंटिंग एज अ लैंडस्केप. वो दाऊजी ने जो अपनी लास्ट पेंटिंग बनाई वो किस फॉर्म में थी? लैंडस्केप के फॉर्म में थी. एंड इट हैज बीन कमीशन्ड बाई, अप्रेज्ड बाई, और उसको किसका अप्रेजर मिला? एम्परर चाइनीज टैंग एम्परर जुआंगजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. और उसे इतना अच्छा लगा उसने इस पेंटिंग को कहाँ लगवा लिया? अपने पैलेस, अपने महल के दीवार में लगवा लिया. जो राजा महाराजा होते हैं तो उन्हें क्या लगता था? जो भी पसंद आता था वो अपने रिसेप्शन हॉल में, महल में लगवा लेते थे, शिकार करके लाते थे, है ना. तो मोस्टली टाइगर कैट इन चीज़ों का, लॉयन का शिकार करते थे, उनकी स्किल लगाते थे जस्ट टू शो दैट हाउ ब्रेव. तो इसी प्रकार से ये शो करने के लिए दैट आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, कि मैं आर्ट का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इसलिए उसने उस पेंटिंग को खरीदा और उस पेंटिंग को कहाँ पर लगा लिया? अपने महल के दीवार पर लगा लिया. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. The master had hidden his work behind a screen, और वो इस प्रकार से था, उसको इस हिसाब से बनाया हुआ था कि ऐसा लगा जैसे उस स्क्रीन के पीछे, भाई जो पेंटिंग बनाते हैं उसके पीछे दिमाग किसका होता है? बनाने वाले का. तो उस स्क्रीन के पीछे एक प्रकार से वही छिपा होता है. वॉट इज द आइडिया दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड फॉर द आर्ट, तो उसका आइडिया उसके पीछे छिपा होता है. सो फॉर सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट. तो क्या, तो मोस्टली जो
लैंडस्केप बनाई जाती है ना, जैसे अभी आप लोगों की मैम लैंडस्केप है ना, अभी लोग पेंटिंग लिए हुए हैं, तो आपको जो पेंटिंग करनी हो लैंडस्केप करनी है, तो लैंडस्केप पेंटिंग में क्या क्या बनाना पड़ता है? जब आप एक फिगर बनाते हैं उसमें क्या क्या बनाना पड़ता है? उसमें आपको ह्यूमंस भी बनाने पड़ेंगे, उसमें घर भी बनाना पड़ेगा, उसमें आपको माउंटेन्स भी बनाने पड़ेंगे, उसमें आपको वाटर फॉल भी दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको बर्ड्स भी दिखाने पड़ेंगे, हर चीज़ उसमें दिखाना पड़ता है। तो वो भी क्या था, लैंडस्केप बना हुआ था, तो राजा ने क्या किया, पहले उसको देखता रहा और इन सारी चीज़ों को अप्रेज करता रहा। वेन ही सॉ द ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन दैट पिक्चर, उस पिक्चर में खूबसूरत से माउंटेन बने हुए थे उनको अप्रेज करता था। वेन ही सॉ दैट द ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब्यूटीफुल ह्यूमंस, ब्यूटीफुल हाउसेज, तो जो पिक्चर्स थे उस पिक्चर को पूरी तरीके से अप्रिशिएट करता था। लुक्स आर्स एट द पेंटर इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स ड्वेल्स आइस पे। और पेंटर क्या कहता, इन दैट लैंडस्केप पेंटिंग, वो जो लैंडस्केप पेंटिंग बनी थी ना, इन दैट पेंटिंग देयर वॉज अ केव ऑल्सो, उसमें क्या बना हुआ था, एक केव, एक गुफा भी बनी हुई थी। और जो पेंटर है वो क्या कहता है, हु ड्वेल्स, ड्वेल का मतलब क्या होता है, दैट ड्वेल्स अ स्पिरिट, सो इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल अ स्पिरिट। तो उस पेंटर ने बताया कि ये जो केव है, ये केव कहाँ पे, एट द फुट ऑफ द माउंटेन। वॉट डू मीन बाई फुट ऑफ द माउंटेन, इस माउंटेन के नीचे जो केव बनी हुई है, उस केस के केज के बाहर दरवाजे पर कौन रहता है, ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स मीन्स लिव, एक आत्मा रहती है, हम इसको भूत भी कह सकते हैं जैसे। तो उसने बताया कि माउंटेन के नीचे एक छोटी सी केव है, उस केव के गेट पर कौन रहता है, एक स्पिरिट रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और ऐसा माना जाता था कि इस प्रकार से, अब ये स्टोरीज है पुरानी, कि ऐसा फिगर बनाया कि वो बिल्कुल रियल लगता था। एंड इट सीम्स व्हेन द पेंटर क्लैप, कि जब जैसे नहीं पहले राजा महाराजा होते थे, क्लैप करते थे तुरंत कोई आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे में द पेंटर क्लैप, जैसे ही उस पेंटर ने जिसको इसको बनाया था, जैसे उसने क्या किया, जैसे उसने क्लैपिंग की, एज सून एज ही क्लैप द गेट ऑफ द डोर ऑफ द केव हैज बीन ओपन, क्लैपिंग करते ही उस केव का जो दरवाजा है वो खुल जाता है। एंड द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, एंड द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, एंड इनसाइड इज स्प्लेंडेड से मतलब द सीन इनसाइड दैट केव, उस केव के अंदर का जो सीन है वो कैसा है, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड किसको बोलते हैं, स्प्लेंडर, व्हाट इज स्प्लेंडर, शानदार जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो उसने कहा जैसे उसने क्या किया, क्लैपिंग की, क्लैपिंग करते ही क्या हुआ, केव का गेट खुल गया और जो अंदर का सीन दिखाई दिया, एंड द सीन विच दे हैव सीन, जो सीन उन्होंने देखा वो कैसा सीन था, दैट वॉज अ स्प्लेंडर सीन, दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, दैट वॉज अ वेरी मार्वेलस सीन, बहुत ही खूबसूरत नजारा था, और इतना खूबसूरत था बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, मींस द साइट वॉज सो ब्यूटीफुल दैट वी कांट कन्वे इट इन वर्ड्स, कि अंदर का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि उसे हम वर्ड्स के थ्रू कन्वे नहीं कर सकते हैं, हम बोल के नहीं बता सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत था। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे द पेंटर एंटर द केव, तो जो पेंटर था उसने क्या किया, ही एंटर्ड इनटू द केव, वो उस केव में अंदर चला गया, उसने कहा मुझे ये मैजेस्टिक है, ये जादू है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ पर। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, राजा नहीं जा पाया, पेंटर केव क्लैप, डोर ओपन, और पेंटर ने कहा मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कितना खूबसूरत नजारा है। सो पेंटर एंटर्ड इनटू द केव, पेंटर तो अंदर घुसा और जैसे ही पेंटर गया क्या हुआ, उसका जो गेट था इट हैज बीन ऑटोमेटिकली शट, वो अपने आप बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ट एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और केवल यही नहीं हुआ, एंड नाउ द किंग वॉज एस्टोनिस्ट, राजा सरप्राइज रह गया, भाई यही कोई पेंटिंग बनी हो
कोई आए खोले खुल गया और मैं जा रहा हूँ उसके अंदर घुस जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वी वर ऑल शॉक्ड। अब कह के भूत आ गया क्या है, काम है। सो द किंग वॉज एस्टोनिश, ही वॉज सरप्राइज एंड बिफोर ही कुड अटर अ वर्ड, वो कुछ समझ पाता, वो कुछ बोल पाता, उससे पहले क्या हुआ, द पेंटिंग वॉज ऑल्सो डिसअपीयर्ड, वो जो पेंटिंग लगी थी वो पेंटिंग भी गायब हो गई। तो पेंटिंग और पेंटर वो तो अपने आप बिन बैलेंस दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। नॉट अ ट्रेस ऑफ वो बाऊजी ब्रश वॉज लेफ्ट, और जो दो बाऊजी की पेंटिंग बनी हुई थी एक ब्रश भी नहीं छूटा था, मीन्स कहीं पे जरा सा भी नामो निशान तक नहीं बचा हुआ था। द एंटायर पेंटिंग हैज गॉन फ्रॉम देयर, पूरी की पूरी पेंटिंग वहाँ से जा चुकी थी। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद जो आर्टिस्ट उसके अंदर गया था आज उस दिन के बाद से इस संसार में वो आर्टिस्ट कभी नहीं दिखा। बोला ये कहानी भाई ऐसा है कि ये रियल तो नहीं लगती हम लोगों को, लेकिन ऐसी ये क्या बहुत सारी ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं जो हम लोगों को रियल नहीं लगती बट स्टिल वी बिलीव इन दम। तो ये चाइना में क्या है, ये एक स्टोरी वहाँ पर फेमस है। तो सिंपली सी इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट इन चाइना देयर वॉज वन स्टोरी दैट इज फेमस, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एंड दैट स्टोरी हैज बीन सेटल्ड इन विच एज, इन विच सेंचुरी, 8th सेंचुरी में स्टोरी होती है। देयर वॉज अ पेंटर हुज नेम वॉज गोदावजी, गोदावजी नाम के पेंटर है। ही मेड अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप, एक बहुत ही खूबसूरत वो लैंडस्केप बनाते हैं। एंड दैट लैंडस्केप हैज बीन अप्रिसिएटेड बाई टैंग एम्परर जुआनजुआंग, है ना, जो टैंग एम्परर है जुआनजुआंग वो उसको क्या करता है, वो बहुत ही अप्रिशिएट करता है। नॉट ओनली ही अप्रिसिएटेड इट, केवल उसे अप्रिसिएट ही नहीं करता बट ही प्लेस इट इन द वॉल ऑफ हिज पैलेस, अपने महल के पैलेस को उसको लगा देता है। और फिर नहीं तो ऐसे कुछ आता है और उसी से कोई दूसरा पेंटर आया उसने उसको दिखाया देखो कितना सुंदर, तो जो पेंटिंग थी दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि लैंडस्केप था तो खूबसूरत क्या थे, माउंटेन्स थे, उस पर ह्यूमंस थे, घर बने हुए थे, पेड़ थे, सब कुछ था। एंड ऑन द फुट ऑफ द माउंटेन देयर वॉज अ केव, एक माउंटेन बना हुआ था उसके नीचे क्या बनी हुई थी, केव बनी हुई थी। और पेंटर ने क्या किया, ही क्लैम्प एंड एज सून एज ही क्लैम्प व्हाट हैपेंड, द डोर ऑफ दैट केव हैज बीन ओपन, केव का दरवाजा खुल गया। व्हाट काइंड ऑफ सीन वॉज देयर इन साइड द केव, वेरी स्प्लेंडर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मार्वेलस, अंदर का सीन बहुत ही खूबसूरत था। सो द पेंटर सेड, उसने क्या कहा, और इतना खूबसूरत था दैट इट इज बियॉन्ड द वर्ड्स, इतना खूबसूरत था कि उनको वर्ड्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो पेंटर ने कहा कि अंदर जाके हम देखेंगे। एंड नाउ द पेंटर एंटर, पेंटर तो उस केव के अंदर चला गया बट एज सून एज द पेंटर एंटर व्हाट हैपेंड, द डोर ऑफ दैट केव हैज बीन केव हैज बीन क्लोज, उस केव का जो दरवाजा था वो बंद हो गया। एंड नाउ द किंग स्टूड देयर एस्टोनिस्ट, सरप्राइज खड़ा हुआ था। और केवल वो गेट ही बंद नहीं हुआ, कुछ देर में क्या हुआ, द पेंटिंग वॉज ऑल्सो वैनिश्ड फ्रॉम देयर, जो पेंटिंग थी वो भी वहाँ से गायब हो गई। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल साइन ऑफ दैट पेंटिंग, उसका नाम और निशान तक नहीं था। सो इज इट क्लियर, ये पैराग्राफ सबको क्लियर है बेटा। सच स्टोरीज played an important part in China's classical education. तो author भी कह रहा है that this is simply a story. ये story है, reality में तो ऐसा हो सकता है क्या कि painting बनी हो और हमने कुछ किया और वहाँ से responsibility is not possible. तो ये कह रहा है कि ये जो story है it played a very important role. ये जो story है बहुत ही important role play करता है, और कहाँ पर, in China. क्योंकि यहाँ पर हम चाइनीज आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कहता है सच टाइप्स ऑफ स्टोरीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइना क्लासिकल एजुकेशन, वाकई जो क्लासिकल एजुकेशन
उस क्लासिकल एजुकेशन में जो इस प्रकार की स्टोरीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड झुआंगी आर फुल ऑफ देम। और इन दो क्या नाम है, कॉन्फ्यूशियस है झुआंगी, तो नाम तो ऐसे ही मिलते हैं। तो इन दोनों ने लोगों ने भी बुक लिखी हुई है। एंड दीज बुक्स आर फुल ऑफ सच टाइप्स ऑफ स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज से लोगों की भी बुक्स भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो बुक्स होती है ना, दे हेल्प द मास्टर, ये किसकी मदद करती है, मास्टर की। और किस चीज़ में हेल्प करती है, टू गाइड हिज डिसिपल, मास्टर मतलब मास्टर किस टीचर, कि जो टीचर होते हैं जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं, तो ये जो बुक्स हैं और टीचर्स की हेल्प करती है सो दैट दे कुड गाइड द स्टूडेंट्स टू देयर डिसिप्लिन इन प्रॉपर वे, जिससे कि ये क्या कर सकें, अपने डिसिपल्स को, अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर सकें। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड। बियॉन्ड द एनेक्डोट, यू नो वॉट इज एनेक्डोट, एनेक्डोट स्टोरीज ऑन विच यू कैन बिलीव, पुरानी जो स्टोरी होती है उनको एनेक्डोट बोलते हैं, जैसे लीजेंड होता है ऐसी एनेक्डोट। एनेक्डोट मोस्टली होती है स्टोरीज रिलेटेड टू एनिमल्स, उनको भी बोलते हैं। तो कहता है ये जो स्टोरीज है यहाँ क्या ले लें, एनेक्डोट से सिंपली स्टोरीज ले सकते हैं। तो कहता है बियॉन्ड द एनेक्डोट, अगर हम इन स्टोरीज के परे देखें, सो दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड। तो ये कैसे है, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, कि जो स्टोरीज है या जो हम पेंटिंग बनाते हैं किसको रिवील करते हैं, हमारी स्पिरिट को, आत्मा को, किस हमारे सोच को रिवील करते हैं। भी जैसे पेंटर होता है, जब वो पेंटिंग करना शुरू करता है तो जो पेंटिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मूड पर डिपेंड करती है। चाहे कोई आपका जब मूड अच्छा होता है तो आइडिया भी कैसे आते हैं, अच्छे आते हैं, और जब निगेटिविटी होती है तो निगेटिव ही आते हैं। तो यही तो होता है, वही यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आर्ट है ये पूरी तरीके से स्पिरिट को, आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, अभी तो हम लोगों ने कौन सी स्टोरी पढ़ी, बोधाव जी की, क्या था, केव थी, बहुत ही खूबसूरत थी, हो गया केव गायब हो गई। कहते आप कंट्रास्ट दिस स्टोरी, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता, अपोजिट। हम ये जो स्टोरी सुनी इसके अपोजिट भी एक स्टोरी है, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन एंड पेंट इट। तो एक स्टोरी ऐसी भी है दैट देयर वॉज अ पेंटर, उस स्टोरी में क्या, एक पेंटर था, वन डे ही पेंटेड अ ड्रैगन। उसने किसको पेंट किया, किसका फिगर बनाया, ड्रैगन का फिगर बनाया, बट ही कुडंट मेक द आई ऑफ द ड्रैगन। उसने ड्रैगन का फिगर तो बना लिया लेकिन ड्रैगन की आईज नहीं बना पाया, आंख नहीं बना पाया, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। और क्यों नहीं बनाया, बिकॉज ही स्केयर्ड, उसे डर था दैट इफ आई वुड मेक इट्स आई, कि अगर मैं इसकी आंखें बना दूंगा देन ही वुड सी, इसे दिखने लगेगा, और जब दिखने लगेगा देन ही मेक फ्लाई अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से उड़ के जा सकता है। बोले ये जो स्टोरी है इसके कंट्रास्टिंग एक स्टोरी और है चाइना में, एक पेंटर था जिसने एक बार किसका फिगर बनाया, ड्रैगन का फिगर बनाया, पूरा फिगर तो कंप्लीट कर दिया लेकिन क्या छोड़ दिया, आई छोड़ दी। क्यों आई छोड़ दी, व्हाट ही स्केयर्ड, क्या डर था, दैट इज व्हाट फ्लू अवे फ्रॉम हियर, कि ये कहीं से उड़ ना जाए। With an old story from my native Flanders that I find most represented of Western painting. तो ये मेरे कहता मेरी ये एरिया की कहानी थी जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा कैसा रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ, कि ये लोग वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो सब थी बहुत पुरानी बात, ये कौन से सेंचुरी से शुरू हुआ था, 18th सेंचुरी से। अब कहता इन 15th सेंचुरी आर्ट वर्क अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वांटम मैटसेज फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉक्टर। कहता 15th सेंचुरी में क्या हुआ, देयर वॉज इन 15 एंटवर्प, देयर वॉज अ मैन एंड द नेम ऑफ दैट मैन वॉज एंटवर्प एंड ही वॉज अ मास्टर ब्लैक स्मिथ। और वो कौन थे, मास्टर ब्लैक स्मिथ।
है ना, मेन कारीगर है ना, कॉल्ड क्वांटम मिसेज फॉल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। और उनके पास कौन था जो क्वांटम, वो बताते हैं कि जो क्वांटम मैटर्स था ही फॉल इन लव विद अ डॉटर पेंटर्स डॉटर, कि उसे किससे प्यार हो जाता है, पेंटर है उसकी बेटी से प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। तो जो क्वांटम थे वो क्या थे, ब्लैक स्मिथ थे। ही फेल इन लव विद अ पेंटर्स गर्ल एंड द पेंटर वुड नॉट एक्सेप्ट हिज सन इन लॉ हु वाज इन द प्रोफेशन ऑफ ब्लैक स्मिथ। तो जो पेंटर था वो नहीं चाहता था कि उसका जो सन इन लॉ हो, जो दामाद हो, वो इस प्रकार के प्रोफेशन में हो, इसीलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सो क्वांटम स्नीक इन टू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पेंटिंग। तो इसलिए क्वांटम ने क्या किया, एक दिन चुपचाप ही एंटर्ड स्नीक। स्नीक का मतलब क्या होता है, चुपचाप घुस जाता। तो जो क्वांटम था उसे पता चला कि द गर्ल विद हुम ही लव, जिस लड़की को प्यार करता है, हिज फादर वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज द सन इन लॉ। तो उसने एक दिन क्या किया, चुपचाप उनके उस रूम में घुस गया जहाँ वो क्या करते थे, पेंटिंग किया करते थे, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और जो उनका पैनल था जो बनाते हैं, उस पर उसने क्या बना दिया, एक फ्लाई उसने बना दिया। With such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what he had happened. एक फ्लाई वाले ने एक मक्खी भी बना दी। और जैसे वो आया, पेंटर आया, what he was trying to chase away the fly. वो क्या कर रहा था, उस मक्खी को भगाने की कोशिश की। And then he realized that it was not real. ये real नहीं है, it has been painted there. तो simply क्या, जो क्वांटम था उसने इतना रियल इमेज बना दिया। जैसे आपने किसमें पढ़ा था, लास्ट लीफ, तो उसने क्या किया, ही मेड सच अ ब्यूटीफुल लीफ कि पेंटर होने के बाद भी पता नहीं चला कि वो आर्टिफिशियल है या रियल है। तो ऐसे क्वांटम एक ऐसे फ्लाई बना के गया कि वो पेंटर होने के बाद भी ये नहीं पहचान पाया कि ये रियल है या आर्टिफिशियल है। क्वांटम वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो। और जब उस लड़की के फादर ने देखा दैट क्वांटम हैज सच अ कैपेबिलिटी, कि क्वांटम तो इतना योग है, इतना अच्छा पेंटिंग कर सकता है, सो ही एट वंस एडमिटेड इन द स्टूडियो। तुरंत उसे अपने स्टूडियो में रख लिया और क्या बना के रख लिया, इज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जानते हैं किसको बोलते हैं, अप्रेंटिस चेला, अप्रेंटिस होता है ट्रेनिंग, जिसको ट्रेनिंग देते। तो उस लड़की के फादर ने क्वांटम को अपने स्टूडियो में रख लिया, अपना शिष्य बना लिया उसको। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। सो नाउ द फादर ऑफ दैट गर्ल वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद हिम, उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गए। एट फर्स्ट ही वॉज नॉट रेडी फॉर मैरिज, क्योंकि उस समय किस प्रोफेशन में था, ब्लैक स्मिथ था। लेकिन जब देखा ही वॉज ऑल्सो अ गुड पेंटर, so he agreed for it, for the marriage. Now Quentin got married with his beloved, वो जिससे प्यार करता उस लड़की से शादी की। and in future उसके बाद क्या हुआ, he became one of the very famous painter, एक बहुत ही बड़ा painter बना हुआ। these two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. तो ये जो दो stories हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो art है वो क्या क्या achieve करवा सकती है, कि जो आर्ट है, आर्ट से आप वो चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं जो आपके लिए कैसी लग रही थी, इम्पॉसिबल लग रही थी। आर परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोगों को क्या लगता है, इल्यूजन, कभी कभी भ्रम होता है, लेकिन वो भ्रम क्या है, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। लेकिन ये जो चाइना में जो पेंटिंग बनती है, ये पेंटिंग के हिसाब से किसको रिप्रेजेंट करती है, इस सेंस ऑफ इनर लाइफ, जो हमारे लाइफ का एसेंस है, जो समराय है, समरी है, वो बताते हैं। एंड स्प्रिट इन एशिया, और एशिया में उस समय किस प्रकार की स्प्रिट थी, लोगों की क्या सोच थी, वो ये रिप्रेजेंट करती है।